once again welcome to my YouTube channel Knowledge Adda. तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं BSc first year inorganic chemistry के लिए most important short type question. So guys, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी question बता रही हूँ वो सारे notes आप लोगों को BSc first year inorganic chemistry के playlist में जो है वो आपको मेरे channel में मिल जाएंगे. इससे पहले मैंने BSc first year inorganic chemistry के लिए long type question जो है वो बताया हुआ है, most important long type question. तो अगर वो वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, आप चेक जरूर करें. सो गाइस, एग्जाम में क्या होता है, कई बार लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं पूछते हैं, केवल आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है. तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ साथ हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की तैयारी भी करना बहुत जरूरी है. और ये जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स के लिए जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो टॉपिक के बीच बीच से पूछे जाते हैं, इसलिए हमसे थोड़ा सा बन पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी अलग से तैयारी करना हमें काफी ज्यादा जरूरी होता है. तो चलिए हम हर यूनिट से जो है वो 5-6 इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे. और ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं. और ये होता है गाइस, हर साल एग्जाम में वही वही जो आपके पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पेपर से ही आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं. 70-80% शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको पिछले पांच साल के क्वेश्चन पेपर से पूछते हैं. तो चलिए यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं गाइस. और यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका DXY, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर तथा DZ स्क्वायर कक्षकों की आकृति बताइए. ये नोट्स भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, डी ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं और उनका साइज मतलब उनका शेप कैसा होता है, इस पे आपको यहाँ पे लिखना है. ड्रॉ द शेप ऑफ DXY, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर ऑर्बिटल्स. सेकेंड क्वेश्चन है जीवन प्रभाव क्या है, वॉट इज जीवन इफेक्ट. थर्ड क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन के प्रथम आयनन विभव का मान ऑक्सीजन की तुलना में उच्च क्यों होता है. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. चौथा क्वेश्चन है आपका क्लोरीन सर्वोच्च ऋण विद्युती तत्व है क्यों. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. वाई किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्यों. एटॉमिक रेडी डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. छठवां नंबर का क्वेश्चन है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम क्यों होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन बाय. सातवां है सोडियम परमाणु लिथियम व मैग्नीशियम दोनों से बड़ा क्यों होता है. सोडियम एटम इज लार्जर इन साइज देन लिथियम एंड मैग्नीशियम. तो सो गाइज, यहाँ पे जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है आपको बुक में इसे ढूंढना है और इसकी तैयारी आपको करना है. इतना हुआ आपको, चलिए हम यूनिट 2 के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं. तो यूनिट 2 से हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PCl5 बनता है NCl5 नहीं क्यों. PCl5 इज फॉर्म नॉट NCl5, तो इसका जो है वो आपको रीजन बताना है. सेकंड नंबर का क्वेश्चन है O2 अणु अनुचुंबकीय होता है क्यों. O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इसका भी आपको जो है वो रीजन बताना है. थर्ड क्वेश्चन है H2O आबंध कोण का मान NH3 के आबंध कोण से कम क्यों होता है. द बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज लेस देन बॉन्ड एंगल ऑफ NH3. चौथे नंबर का क्वेश्चन है BF3 एक तली अणु है. BF3 इज प्लानर मॉलिक्यूल. पांचवा नंबर का क्वेश्चन है NF3 पिरामिडल होता है जबकि BF3 त्रिकोणी समतली. समझाइए, NF3 इज पिरामिडल वाइल BF3 ट्राइगोनल प्लानर. एक्सप्लेन. छठवें नंबर का क्वेश्चन है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस लिखिए. डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सातवें नंबर का क्वेश्चन है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति से बंद कोण का मान घट जाता है क्यों. बॉन्ड पेयर बॉन्ड एंगल डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये सारे क्वेश्चन है आपके यूनिट 2 में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन. तो चलिए गाइस, अब हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं. यूनिट 3 में आपके क्वेश्चन है पहला बर्फ पानी से हल्की है क्यों. व्हाई इज आइस लाइटर देन वॉटर. सेकेंड क्वेश्चन है अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फिन से अधिक क्यों होता है. वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन फॉस्फिन. थर्ड नंबर का क्वेश्चन है CaCl2 NaCl से अधिक सहसंयोजी होता है. समझाइए, CaCl2 इज मोर कोवेलेंट देन NaCl. एक्सप्लेन. चौथा है MgSO4 जल में घुलनशील व BaSO4 अघुलनशील क्यों होता है. MgSO4 इज फेयरली सोल्यूबल इन वॉटर बट BaSO4 इज नॉट. वाई. पांचवा नंबर का क्वेश्चन है जल द्रव है जबकि H2S गैस है क्यों. वाटर इज लिक्विड वेरियस H2S इज गैस. वाई.
छठवां नंबर का क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि से अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है क्यों? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये है यूनिट 3 के क्वेश्चन। अब चलिए हम यूनिट 4 के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम मेटल इज कैप्ड अंडर केरोसिन वाइल। सेकंड क्वेश्चन है, बीई एवं एमजी ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फ्लेम टेस्ट। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्षारी मृदा तत्व ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं, एल्केलाइन अर्थ एलिमेंट्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, BeSO4 जल में विलेय है जबकि BaSO4 नहीं, BeSO4 इज सोल्यूबल बट BaSO4 इज इनसोल्यूबल इन वॉटर, वाई। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, BeCl2 का जली विलयन अम्ली होता है, समझाइए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BeCl2 इज एसिडिक, एक्सप्लेन। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, BaOH2 की तुलना में NaOH प्रबल क्षार क्यों होता है? NaOH इज स्ट्रॉन्गर बेस इन कंपैरिजन ऑफ BaOH2, वाई। ये सारे क्वेश्चन है गाइस यूनिट 4 से, आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट का क्वेश्चन है ये। अब चलिए हम पी ब्लॉक के एलिमेंट के क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट 5 से। 5 पी ब्लॉक के एलिमेंट का पहला क्वेश्चन है, बोराजिन बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है क्यों? बोराजिन इज हाई रिएक्टिव देन बेंजीन। सेकंड क्वेश्चन है, H3PO2 मोनोबेसिक अम्ल क्यों होता है? H3PO2 इज मोनोबेसिक एसिड, वाई। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रेट मूलक के लिए वलय परीक्षण का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट रेडिकल। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या है? व्हाट इज क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। पांचवे नंबर का क्वेश्चन है, CO2 गैस है जबकि SiO2 ठोस, CO2 इज गैस वाइल SiO2 अ सॉलिड, इसका भी आपको रीजन देना है। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, विलेयता गुणन फल एवं आयनिक गुणन फल में संबंध बताइए, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। ये है क्वेश्चन गाइस यूनिट 5 से। तो इन सारे 100 टाइप क्वेश्चन को आपको एग्जाम के पहले आपको ढूंढना है और इसके आंसर जो है वो आपको याद करना है, इसमें से कोई भी 100 टाइप क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो आ सकता है। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और सारे नोट्स आप लोगों को BSc फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो चेक जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।